बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबे मोहम्मद वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कांधा मयसर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मयसर है और आप अपना दुख अपने रब करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। ये सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। जब कलब दुरुस्त हो जाता है तो जिक्र इसमें हर वक्त रहने लगता है कि इसकी हर जानब और सारे बदन पर लिख दिया जाता है। बस इसकी आंखें सो जाती हैं मगर इसका कलब अपने परवरदिगार के फिक्र में रहता है। हज़रत शेख अब्दुल कादर जलानी ने फरमाया था। दरवेश किसे कहते हैं? दरवेश दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, दुर जिसका मैनी है मोती, वेश जिसका मैनी है बिखरना। ऐसी बात लिखने वाला बताने वाला जिससे मार्फत के सच्चे मोती बिखर जाएं और जहां बिखरें वहां सिर्फ मार्फत ही नहीं बल्कि मार्फत के गुलिस्तान बाद हो जाएं, उसे दरवेश कहते हैं। मोमन को परखा जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, मालदारी से खुश ना हुआ कर और फ़क्र से मायूस ना हुआ कर और मुसीबत से गमगीन ना हुआ कर और खुशहाली से तकब्बर में ना पड़ना, क्योंकि सोने को आग के ज़रिए से परखा जाता है। इसी तरह से नेक बंदे को मुसीबत के ज़रिए से जांचा जाता है। और तू अपनी मुरादों को, अपनी ख्वाहिशात को तरक किए बगैर नहीं पा सकता और अपनी उम्मीदों को नापसंदीदा चीज़ों पर सब्र किए बगैर नहीं पूरा कर सकता। और जो फ़राइज़ आप पर सौंपे गए हैं, इनको पूरा करने में अपनी पूरी कोशिश सरफ करते रहा करो और अल्लाह से और अल्लाह ने जो तेरे लिए फ़ैसला किया है इस पर राज़ी रहा करो। सो व्यूअर्स, गम में घबराना नहीं चाहिए, तो डट के मुकाबला करें और अल्लाह ताला की ज़ात पाक भी तो साथी है ना। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट मैं आपके पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शेयर भी किया करें वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेंटिंग वर्ड आर्ट और महाजन ऑफिशियल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।